सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़ाने और नए हाईवे बनाने का प्रस्ताव केंद्र के समक्ष रखा है। सोमवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी संग बैठक में योगी ने 10 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित करने की मांग की है। वहीं 5 शहरों में रिंग रोड बनाए जाने का भी अनुरोध किया है। सीएम योगी ने एनएच की जरूरतों को लेकर कहा कि प्रदेश में अधिकांश हाईवे पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व को जोड़ने वाले हैं। उत्तर से दक्षिण को जोड़ते हुए नए एनएच बनाने का प्रस्ताव रखा है। इसमें कुछ कॉरिडोर यूपी, नेपाल, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड को जोड़ने वाले हैं। सीएम ने उत्तराखंड के काशीपुर, मुरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, भरतपुर तक राष्ट्रीय मार्ग कॉरिडोर बनाने की बात कही। यह कॉरिडोर आगरा एक्सप्रेस वे से भी कनेक्ट होगा। साथ ही उत्तराखंड के कोटद्वार से यूपी के इटावा और मध्य प्रदेश के सागर को जोड़ने वाली 640 किलोमीटर लंबी एनएच का प्रस्ताव दिया गया है। दिल्ली के भारत मंडप में हुई बैठक में सीएम योगी ने एनएच के विस्तार की मांग रखने के साथ यह भी आश्वस्त किया कि इसमें आने वाली हर अड़चन और इससे जुड़ी प्रक्रिया का समयबद्ध ढंग से निपटारा किया जाएगा। भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण समय से होगा। किसी भी विभाग की जमीन एनएच विस्तार के लिए निःशुल्क दी जाएगी। फॉरेस्ट क्लियरेंस भी समय पर करवाया जाएगा। सिंचाई विभाग या अन्य विभाग के पास उपलब्ध भूमि को फॉरेस्ट क्लियरेंस प्रस्तावों के लिए गैर वन भूमि के रूप में भी सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकार यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन वितरण की ओर से लगने वाला शटडाउन शुल्क भी नहीं लेगी।